हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एमपी बोर्ड क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओटी विथ सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। अभी जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर नहीं है सभी वीडियो मिले, कुछ वीडियो आपको डाल दिए गए हैं, कुछ वीडियो धीमे धीमे आपको मिल जाएंगे। दिसंबर लास्ट तक सभी सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, एक महीने के अंदर सब कुछ मिल जाएगा आपको, प्लीज़ चिंता ना करें। और मैंने अभी जो लेटेस्ट वीडियो डाली है वो भी आप जरूर देखें डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर, मतलब पूरा स्टडी मटेरियल कैसे परचेज किया जाए। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम नंबर है, इन सब की लिंक दी गई है, आप जाकर चेक जरूर करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, ओके। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब नेक्स्ट सेशन 2024 से मुरैना में, ठीक है ना, जो बच्चे मुरैना के हैं, मुरैना मध्य प्रदेश के हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर करें। मैं मुरैना में कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ ऑफलाइन नेक्स्ट सेशन 2024 से, तो आप मुझसे चाहें जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब आप मैथ्स की कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, तो अब अपन आते हैं अपने सीधे। तो इस वीडियो में हम देखें क्लास टेंथ साइंस के एमपी बोर्ड 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। तो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें से टोटल 7 नंबर का आने वाला है, ये इस साल का ब्लूप्रिंट कहता है, पर ये मैं जो लिख रखा है ये पिछले साल का ही लिखा है, तो उस हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, आप देख सकते हैं एक एक करके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, ये आपको मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर जिनको पीडीएफ चाहिए वो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं, ये एक दूसरे की अपोजिट क्यों होती हैं, ये नीचे इसका आंसर दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 3 रिएक्शंस हैं, इन पे आप जरूर गौर कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती हैं एग्जाम में। और किसके बाद व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एजोथर्मिक रिएक्शन, इसको चाहो तो आप शॉर्ट में भी ले सकते हो, एक दो लाइन कट कर सकते हो। इसके बाद डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अभी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनमें से लगभग सब आ जाएगा वो क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आपको कम क्वेश्चन करने हैं तो आप बाद में भी टॉप 60 टॉप 100 क्वेश्चन देता हूँ उनमें से भी कर सकते हैं, पर जो मैं अभी दे रहा हूँ वो इतना टाइम अभी आपके पास है कि आप पूरे पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डेंसिटी क्या होती है आपको एग्जाम्पल से बताना है, ये एग्जाम्पल दिया गया है नीचे। Why do we apply paint on iron articles? ये अच्छा क्वेश्चन है, करने लायक है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर दिस ईयर, कर लेना अच्छे से। इसके बाद ये है राइट वन इक्वेशन ईच फ्रॉम डीकम्पोजिशन हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये हीट के लिए है, ये सनलाइट के लिए और ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, तो ये अच्छा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8, तो क्या है व्हाई डू वी मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस विथ एग्जांपल्स, ठीक है, ये इनके आंसर लिखे हुए हैं, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ एग्जांपल्स, ये भी आपको करना है। और ये एक क्वेश्चन ये वाला है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ओके बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।